टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिक्स का एक टॉपिक है चैप्टर। और आप जो है टी आर जैन की बुक पढ़ते हैं तो टी आर जैन में बुक नंबर 5 होगा, और अगर एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 होगा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है? द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ द डेटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर डेट दीज आर इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज। जो भी डेटा होता है उसको इस तरीके से एग्जीबिट करना डेटा का ताकि वो क्लियर स्पष्ट रूप से नजर आए, साथ ही साथ एट्रैक्टिव दिखे और आसानी से जो है उसको एनालाइज किया जा सके, उसको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। मतलब जो भी डेटा आता है उसको सही तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से दिखाना। प्रेजेंटेशन डेटा जो 3 तरीके से होता है, नंबर 1 टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है? जहाँ पर जो भी डेटा होता है उसको लिखकर डिस्क्रिप्टिव तरीके से, यानी कि शब्दों में जो है लिखा जाता है, बताया जाता है एज ए लेसन टाइप में, टेक्स्ट के रूप में। टेबुलर प्रेजेंटेशन में, टेबुलर प्रेजेंटेशन में किसी भी डेटा को रॉ एंड कॉलम में जो शो किया जाता है, उसमें हेडिंग सबहेडिंग का यूज़ करते हुए। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में डेटा को जो है चित्रों के साथ, यानी कि पिक्चर्स एंड ग्राफ्स एंड बार्स के द्वारा दिखाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल टेक्सुअल प्रेजेंटेशन के बारे में। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है? डेटा आर ए पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ स्टडी और आ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या है? डेटा आर ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट, कि इसके अकॉर्डिंग ही माना जाता है कि जो डेटा होता है वो टेक्स्ट का एक पार्ट होता है, जिसके अध्ययन किया पढ़ा जाता है। और ए पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन या फिर किसी विवरण का एक छोटा सा भाग होता है जो कि डट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी, जो कि अध्ययन का एक सब्जेक्ट मैटर होता है। मतलब डेटा होता क्या रियल में? डेटा वास्तव में क्या होता है? किसी भी फिगर एंड उसका फैक्ट का जो टेक्चुअल वर्जन होता है। अगर उसको हम शब्दों रूप में व्यक्त करें, जैसे मैंने कहा कि इस विद्यालय में, इस स्कूल में कक्षा 6 में 40 बच्चे हैं, कक्षा 7 में 80 बच्चे हैं, कक्षा 8 में 90 बच्चे हैं, तो ये टेक्चुअल प्रेजेंटेशन का ही एक तरीका है कि चीज़ों को शब्दों के साथ और उसके अंकों के साथ मिलकर टेक्स्ट के माध्यम से लिखते हुए दिखाया गया है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेटा होता है उसका डिस्क्रिप्शन बनता है, पूरा विस्तृत रूप से लिखा ब्यौरा दिया जाता है। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ, ये तब यूज होता है व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट वेरी लार्ज, जब डेटा की क्वांटिटी बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है बिल्कुल, तब उसको इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि 2 लाइन में लिख के डेटा को तब इसका यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियन ऑफ द शू मेकिंग इंडस्ट्री, शू मेकिंग इंडस्ट्री का स्ट्राइक जो है कॉल किया गया। इन द सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के शहर में 50% ऑफ द वर्कर्स रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी, 50% वर्कर को जो है ड्यूटी में बुलाया गया। एंड ओनली 2 आउट ऑफ 20 इंडस्ट्रीज इन द वर्क टोटली क्लोज, 20 में से केवल 2 ही इंडस्ट्री है जो पूरी तरीके से बंद है। हमें केवल यहाँ पर ये दिखाना था कितने इंडस्ट्री खुला है, कितने बंद है। तो छोटा सा डेटा है जिसको हमने यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में दिखा दिया, डिस्क्रिप्टिव तरीके से दिखा दिया, कि हमने शब्दों में बता दिया कि स्ट्राइक बुलाया गया जहाँ पर 50% वर्कर जो है काम के लिए बुलाए गए और 20 में से केवल 2 ही इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से क्लोज है। अब बात ये आती है कि टेक्स्चुअल प्रेजेंटेशन जो है कहाँ पर यूज होता है, इसकी सूटेबिलिटी क्या है? When the quantum of data is not very large, जो हमारा डेटा होता है, जो डेटा का ग्रुप होता है वो छोटा सा होता है, यानी कि लार्ज नहीं होता, बड़ा नहीं होता, तब हम टेक्सुअल प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स एंड फैक्ट्स मेक इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, जब हमारे पास डेटा का फिगर्स हो और उसका फैक्ट्स हो और जो कि समझने में बिल्कुल आसान हो, तब हम जो है डिस्क्रिप्टिव टेक्सुअल का यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्ट होता है टेक्स्ट के रूप में होता है। इसका सबसे बड़ा ये है, डिसएडवांटेज है कि अगर डेटा बहुत बड़ा हुआ तो आप यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन में नहीं शो कर सकते। दूसरा, डेटा इज नॉट प्रेजेंटेड विथ प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स, प्रत्येक डेटा को फैक्ट्स एंड फिगर के साथ शो भी नहीं किया जा सकता।
कुछ ऐसे डेटा होता है जिसको ओनली फैक्ट्स से बताया जा सकता है या फिर किसी का फिगर्स, दोनों को एक साथ बताना मुश्किल काम हो जाता है। थैंक यू।